खिसैया लइका नियर सूत जाले कोरा में दिया के जोरा में ना। जी बिल्कुल, इस गाने को हम ही लिखे थे और उनको दिए, बोले कि चाचा इस गाने को आप स्टेज पर गा दे, क्या हम कैसेट में गा दें? बेटा गा दो। गया, भगवान की कृपा ही ये कैसेट जो है, गीत जो हुआ सुपर डुपर हुआ। इसी में हम लगे रह गए और पिताजी के मुझे आशीर्वाद मिला। मेरे परबाजा भी गाए थे, मेरे बाबा भी गाए थे, ये मेरे भैया हैं। गुरु को भूलने नहीं, भूलने वाले लाइन पर आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि कहा गया है कि गुरु से कभी भी नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि हर एक सक्सेस आदमी के पीछे कहीं ना कहीं गुरु का हाथ होता है। इसी तरह खेसारी जी के भी एक गुरु हैं जो कि कमला बाबा हैं, उनके गांव में आए हैं और उनसे बात कराते हैं। पहले तो हम बहुत आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को आपने टाइम दिया। इसको छोड़, तो जैसा कि खेसारी जी आपके साथ कितने साल रहे और कुछ उनकी बातें बताइए जो कि दर्शक जो है सुने, और कुछ अपना भी दिखाइए ताकि। खेसारी जी हमारे साथ 9 साल रहे, 8 साल तक कंटिन्यूस रहे और मेरे साथ ही रहते थे। प्रोग्राम जो रेगुलर चलता था तो जितना दिन चलता था रहते थे। आप ही घर रहते थे? घर यही मेरे घर। हम कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाएं। सबसे अच्छी बात है पीछे इनका मकान है, और जो है मकान है और मकान के सामने ही एक इतना सुंदर सा जो है कहेंगे मकान दिखाएं एक बार। इधर पीपल का पेड़ दिखाएं, और जो है मकान के सामने यह जो है पीपल का पेड़ है और इसी पे हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे यह रहते भी थे? जी यही रहते थे और 8 साल कंटिन्यूस रहे। जितना दिन प्रोग्राम रेगुलर चलता था तो यही रहते थे, यही खाते थे, यही रियाज करते थे, सब हम सिखाते थे। इसके बाद अगर बीच में गैप जो हो जाता था तो अपने घर चले जाते थे, और वहाँ से फिर जब प्रोग्राम चालू हो जाता था 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो मेरे पास ही रहते थे। और मेरे तरफ से उनको, पूरे परिवार के तरफ से, उनके एक अपने पुत्र के जैसा, अपने बेटा के जैसा, सारे लोग, सारी फैमिली, सारे व्यवहार के। हम लोग 3 भाई हैं, बड़े भाई हमारे डॉक्टर साहब सोलिया मिश्रा जी, सेकंड भाई बबन मिश्रा जी, और हम थर्ड हैं। और ये पूरे परिवार उसको अपने बच्चे के जैसे हम लोग 8 साल प्यार दिए हैं, दुलार दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। आपके पास किस हालात में आए थे और किस हालात में गए यहाँ से? वो हालात तो मत पूछिए, खैर भगवान की कृपा है। सच्चाई है, देखिए लगभग सारे लोग जानते हैं, ये भी जानते हैं कि खेसारी जी जमीनी स्तर से उठे हुए हैं, भैंस चराते थे और कहीं इंटरव्यू में कहते थे कि हम भैंस के ऊपर गाना गाने वाला यहाँ तक कैसे पहुँचे। जी जी, गाना गाते थे, भैंस चराते थे, ये तो परंपरा है, जिनकी जैसी अपना कल्चर है, रूप है, वो करते थे। उनके यहाँ भैंस गाय भी रहती थी, लेकिन मेरे पास जो समय बीतता था तो भैंस गाय में नहीं बीतता था, मेरे प्यार दुलार में बीतता था। प्रोग्राम में जाते थे, आते थे, यहाँ हारमोनियम बजाते थे, हम जो पूछते थे, रियाज कराते थे, सिखाते थे, और वो जो आते थे घर पर उनकी सब कुछ थी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वो जीरो में थे, ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी जीरो थे। जब वो आए, आते थे साइकिल से, आते थे साइकिल की, उसमें जो दिक्कत होती थी वो हम। आपके गांव से, लगभग आपके गांव से मेरे ख्याल से 8-9 किलोमीटर दूर? जी नहीं, 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी है, और वो यहाँ तक आने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते थे, वो भी कभी कभी रास्ते में खराब हो जाता था। एक बार आपके फ्री और चैन टूट गया था तो पैदल ही आए, और तो बोले कि चाचा लेट हो गया, प्रोग्राम में चलना है। हमने बेटा उससे क्या हुआ था, चैन गड़बड़ हो गया, हमने चलो कल बनेगा, चैन बनाया गया, सब कुछ हुआ। यहाँ तक कि जब कैसेट दुनिया में भी जब प्रवेश किए तो कैसेट बांटने के लिए बेचारे माने खेसारी आए तो बोले कि चाचा आप अपना मोटरसाइकिल दीजिए, चूँकि इसको हम डीलरशिप में इसको भेजना है, तो मेरे मोटरसाइकिल लेकर के आपको सिवान, छपरा, पूर्वी चंपारण तक, मोतिहारी तक गए, अपना कैसेट खुद जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए दुकान दुकान बांटते थे। जी बांटते थे कि मैं हिट हो जाऊं, हमसे लोग की संपर्क बढ़े, मेरा सब कुछ मिले। वो अपने से परिश्रम अगला बहुत किया है, मैं भी परिश्रम किया हूँ, और गुरु आशीर्वाद देता है। और क्या करता है गुरु, तो आशीर्वाद देता है गुरु, और अंधकार से प्रकाश में ला देना, यही गुरु का काम है। हमने उसको लाइन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उस लड़का में भी टैलेंट था, हुनर था, कैच करने का बुद्धि था,
कैच करता था, मेहनत करता था, मैं तहे दिल से अपना हृदय से उसको पुत्र मान कर, चेला नहीं माना कभी भी, मैंने उसको अपना बेटा माना और बेटा मान करके ही उसको सब शिक्षा दिया, सब कुछ बताया, सब कुछ खिलाया, एक जैसा इसमें कोई दुमत नहीं है। आज भगवान उसको बहुत आगे बढ़ाए हैं, बढ़ रहा है, आज प्राकृतिक का नियम है। हमारे दर्शक जो है, करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि कुछ गुनगुना के कम से कम अपनी आवाज एक बार सुनाए, ताकि मालूम चल सके कि खेसारी जी के आवाज को जो आवाज बनाए हैं गुरु के आवाज में क्या है। जी, खेसारी जी को तो मैंने बहुत कुछ दिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं तो उसके लिए मैं तो जरूर कुछ कहूंगा, कुछ सुनाऊंगा, ऐसा थोड़े है, इसलिए कि आप लोग के भी हम बहुत से करोड़ों लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे एक बार गुरु अपना जो है। जी, मैंने टी सीरीज में भी सर जब जाते थे, हम लोगों का जो रिकॉर्डिंग भोजपुरी का होता था, तो हम जिस समय थे गुडू रंगीला, वो भी मेरे अपने हैं, वो भी हमारे 6 महीने के सिखाए हुए शिष्य हैं। गुडू रंगीला को भी आपने? जी जी, मैंने उनको भी प्यार दिया हूँ। और परिचय पात्र में आपके मनोज तिवारी जो है मृदुल जी, उस समय वहाँ भी रहते थे, सीरीज में आते थे, हम लोग भी जाते थे, विजय लाल जी थे, और निरहू जो आज स्टार बने हैं बेचारे, ये भी बहुत हुनर था, लेकिन ये अपने विजय लाल जी के साथ में कोरस करने के लिए आते थे, और हम लोग ये पवन सिंह जी थे, ये सब लोगों की मैंने उस समय बड़ी प्यार था और स्नेह था, लेकिन उस समय भी इस बच्चे को हम छोड़े नहीं। मतलब कि आपने बताया कि केसारी जी को तो आपने 8 साल तक सिखाया है, इसके साथ साथ गुड्डू रंगीला को भी कुछ समय तक सिखा दिया है, और इसके साथ साथ पवन सिंह और निरहू जो भी लोग थे वो लोग कोरस करने के लिए आते थे। जी आते थे, पवन सिंह नहीं, ये आपको निरहू जो आज देखिए इतना बड़ा स्टार है, उस समय विजय जी बिरहा गायक थे, विजय लाल जी, और विजय लाल जी के साथ में आते थे कोरस करने के लिए, पीछे से बोलने के लिए। भगवान की दया हुआ, उन लोगों की मेहनत हुई और दर्शन जी का कृपा हुआ, टी सीरीज का उनका भी कैसेट चमका, वो भी अपने जगह मंजिल पर पहुंचे। अपना जो है गले का, अच्छा एक गाना हम खेसारी जी को लिख कर दिए थे, कि सैया लइका नियर सूत जाले कोरा में दिया के अजोरा में ना, सैया लइका नियर सूत जाले कोरा में दिया के अजोरा में ना, प्रेम दर्शवनी प्यार के स्नेह में नेह लागल हमरो उनका ही नेह में, नेह लागल हमरो अरे उनका ही नेह में, तो कभी हाथ ना लगावे ले टिकोड़ा में दिया के अजोरा में ना, सैया लइका नियर सूत जाले कोरा में दिया के अजोरा में ना। ये गाना जो है रियल में सुपर डुपर हिट हुआ है। जी, जी। और इसके राइटर आप हैं? जी जी बिल्कुल, इस गाने को हम ही लिखे थे और उनको दिए, बोले कि चाचा इस गाने को आप स्टेज पर गा दे, क्या हम कैसेट में गा दें? बेटा गा दो, गया, भगवान की कृपा है, ये कैसेट जो है, गीत जो हुआ सुपर डुपर हुआ, और इसी गाने से लगभग कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी पहचान, बहुत बड़ी पहचान हुआ। और आपके सैनिया मिर्जा कैसे जो था, ये भी बहुत सुपर हिट हुआ, वो तो उनकी अपनी छवि है, वो तो हम नहीं गा पाएंगे, लेकिन सैनिया मिर्जा वाला जो गीत है, जो कैसेट था, उनकी सुपर डुपर हुआ बेचारे, और उसके लिए वो जेल भी गए, 24 घंटा कस्टडी भी रहे, और वो गाना और कैसेट सुपर हिट हुआ, मैंने समझिए कि पूरा अरे मॉरिशस से लेकर के और आपको दुबई तक, अरब तक वो कैसेट बजा, बेचारे उनकी बहुत बड़ी पहचान हुई। और अब क्या कहना है, प्राकृतिक ही परिवर्तन है, अभी आगे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मेरा आशीर्वाद है, उनसे कोई हमको दिक्कत नहीं है, एक चीज़ है कि कभी कभी याद करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं श्रोता समझ मतलब कि गुरु को भूलने भूलने वाले लाइन पर आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि कहा गया है कि गुरु से कपट कभी भी नहीं होना चाहिए, गुरु प्रथम माँ और पिता और गुरु, ये दुनिया में ये सृष्टि में सबसे बड़ा शास्त्र वेद ही कहता है कि तीन के बाद ही सारा कुछ भी है, इस तीन से पहले कुछ है ये नहीं है, माता प्रमो गुरु, पिता प्रमो देवा, और इसके बाद गुरु गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को भूलना
आप अपने को भूल गए, अगर गुरु को भूल गए तो वो जो कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान उनको और अलग और बढ़ाएं, लेकिन उनकी भूल कहीं ना कहीं मेरे प्रति हो रही है। तो ऐसा लगता है कि बड़े आदमी होने के बाद घमंड के वजह से भी नहीं बात करना। अब तो घमंड तो नहीं कहेंगे सर, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि उनकी अपनी छवि है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज की दुनिया में, कलयुग में, जो लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत कम लोग हैं जो पीछे घूमकर देखते हैं। इससे हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चुभता है कि बड़ी प्यार दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। आपने शुरू में ही कहा कि केसारी जी को हम चेला नहीं, अपना बेटा समझते थे। रियल में बहुत बड़ी बात है, कोई भी रहेगा तो तकलीफ होगा। 8 साल का समय बहुत ही ज्यादा होता है और हम बहुत प्यार दिए हैं। और पूरी फैमिली, मेरी जो पत्नी है, मेरे एक बड़े बेटा है जो अनुप कुमार है, उनके ही जोड़दार थे। और वो बेटा मैंने एक साथ दोनों को नहवाना धुलाना, कपड़ा खींचना और दोनों को खिलाना, अपने गोद में बैठा करके, ऐसा प्यार हमारी पत्नी दी है। और मेरा जो आशीर्वाद है संगीत के लाइन में, जो लोक संगीत है, उसको हमने भरपूर प्यार दिया और दुलार दिया। मेरा हार्दिक इच्छा भी था कि तुम्हें एक अच्छे कलाकार बनो, उतना दिन बनाए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। माँ सरस्वती बनाई और उनकी कृपा है कि माँ सरस्वती कृपा की हमने तो आशीर्वाद दिया, लेकिन इच्छा था, लेकिन जिस मंजिल पर सोच नहीं था, ना मेरा था ना उसका था। अगर उनसे भी पूछा जाए कि तुम क्या सोचता था कि मैं कमला बाबा के साथ रहकर इतना मंजिल पर पहुंचूंगा, तो भी नहीं बताएगा, लेकिन उनकी कृपा, माँ सरस्वती का और मेरा आशीर्वाद। लेकिन निष्ठा जरूर था मेरा कि तुम अच्छे कलाकार बनो और बन करके देखा है, लेकिन वही चुभन है कि दिल से जो याद है वो याद नहीं करना भूल रहा है, यही मेरा चुंबन है और कुछ नहीं। नहीं, अगर केसारी जी हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि रियल में गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। अच्छे अच्छे जो लोग हैं ऊपर से नीचे आ गए हैं और सबको यहीं पर रहना है। दूसरी बात ये कहेंगे कि आपके भी गाने सुपर डुपर कुछ हैं जो लोग पसंद करते हैं, कुछ अपने गाने गुनगुना सुनाना चाहेंगे दर्शकों? जी 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 जी, मेरा भी बहुत प्रसंग वाला हम लोगों का कैसेट था। हम लोग संगीत से, लोक संगीत से जुड़े थे, लेकिन हम का कीर्तन लाइन था सर। नहीं, हम बात को समझ रहे हैं। बहुत से ऐसे गायक हैं जो भोजपुरी गानों में आली, अब शब्द नहीं हम लेना चाहते हैं, इतना ज्यादा मतलब गंदी चीजें उसमें ला दिए हैं कि लोग धीरे धीरे भोजपुरी गाने को भी छोड़ रहे हैं। लेकिन आप जैसे सिंगर हैं जो कहीं ना कहीं जो है ये सब गलत चीजें भोजपुरी से दूर करके और एक पारिवारिक सॉन्ग आप लोग बनाते हैं जी, इसलिए हम लोग भी बहुत दुखी थे सर, क्योंकि हम लोग जिस समय जहाँ से उठान किए हैं, बढ़े हैं, अश्लील तो हम लोग जन्मे नहीं किए और हम लोग परिश्रम किए। और हम लोग को भी आज दुख हो रहा है कि भोजपुरी जो है हम लोग की मातृभाषा है और मात्र ये माई है, मात्र हम लोग को माता है, इस माता की गोद में हम लोग जन्म लिए और इस माता के ही शरीर पर लात रखे और यहीं शिक्षा प्राप्त किए और इसी माँ को गाली देते हैं, बड़ी दुख की बात है। मैं इसका कतई भी समर्थन नहीं करूँगा और स्टेज पर भी खोल कर बोलता हूँ कि आज के जो लोग कलाकार हैं जो अश्लीलता को बढ़ा रहे हैं, फुहर बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सब लोग सतर्क हो जाए, लेकिन क्या करें, फैशन की दौड़ में क्या कहते हैं, आदमी जल्दी बड़ा होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, इसीलिए गलत चीजों का सहारा कहीं जी जी कहीं ना कहीं गलत के सहारा। हमने कुछ गाने सुनाएंगे क्या कि कमला बाबा कौन से गाने ऐसे हैं जो दर्शकों को सुनाएंगे और लोग, दर्शक हमारे कहेंगे हाँ भाई गुरु जो है गुरु ही रहता है हरदम। कहीं कहीं लोग सोचते हैं कि गुरु जो है गुरु ही रहेगा, चेला आगे बढ़ गया, जो अपने दर्शकों तो बताओ जो पूरा का पूरा गलत है, नजरिए का फर्क हो जाता है, बस नजरिए का फर्क है, बस हम चाहेंगे दो शब्द जो है। हम लोगों को तो देखिए सर, हम लोगों को जो पारंपरिक जो गीत था अध्ययन, जैसे निर्गुण हुआ, पूर्वी हुआ, जी जी, गजल हुआ, बेहतरीन, मैंने हम लोग इस ढंग से इस चीज को तैयार किए। और अब रह गई सवाल दुकान चलाने का, तो मेल की तो जरूरत है, फिर भी हम लोग बचते हुए प्रदारूपी संगीत हम लोग पेश करते हैं आज भी, ताकि किसी किसी पब्लिक के ऊपर और किसी लोगों का हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर, जैसे हमारे जैसे लोग कलाकार हैं, किसी प्रकार की धब्बा ना आए। और मैं चाहता हूं
कि ज़्यादा से ज़्यादा अश्लीलता बंद हो जाए, लेकिन अब देखिए एक दोषी एक आदमी नहीं है, राइटर भी दोषी है, गायक भी दोषी है, और सबसे सुनने वाला भी दोषी है। सबसे बड़ा दोषी तो वो है सुनने वाला। हम लोग प्रोग्राम करने जाते हैं, भक्ति भजन शुरू करते हैं, एक से दो घंटा प्रोग्राम किए तब तक ले लोग अपना फरमाइशी शुरू करते हैं, अगर नहीं गाने की बात वो लोग अपना भागना शुरू करते हैं, तो ऑडियंस से नहीं रहेगा तो हम लोग प्रोग्राम क्या गाएंगे, किसको सुनाएंगे। सही बात। तब तो चलाने के लिए कुछ ना कुछ गाना पड़ता है, समझे कि नहीं, ऐसा होता है। तो अब क्या बताएं, आप कह रहे हैं तो मैं हम लोगों का तो आपको भिखारी जी का हुआ, पूर्वी का जनक महेंद्र मिश्र जी हुए, आरे जिला में आपको हनुमान पंठा जी पूर्वी के हुए, तो ये सब हम लोग इसी पारंपरिक चीज को लेकर एक पारंपरिक आपको निर्गुण सुनाते हैं। थोड़ा सा आप तो मिजाज थोड़ा सा व्यस्त है, इसलिए कि फुल नाइट प्रोग्राम करके आए हैं। एक बड़ी सुंदर भिखारी जी का निर्गुण लिखा हुआ है। मोर पिछू ओरिया जमीरिया द पतवा के झा झरे राम लहर झर करे पात लहर झर करे पात तनिंदियो नया वेलाए राम लहर झर करे पात तनिंदियो नया वेलाए राम हो खेद बिहान पह फाटे दो हो खेद बिहान पह फाटे दो तो बढ़ई बोला ई बी राम आरे जरी से कटाई रे जमीरिया जरी से कटाई रे जमीरिया पलंग साल हवा ई बी राम। अगला कड़ी भिखारी जी के बाद चारु पव सोन मर हवाई तयरु रंगवा ई बी राम। कितना बड़ा सोचता जी जी। वो जो पत्नी है कह रही है कि चारु पव सोन मर हवाई तयरु रंगवा ई बी राम ताहि से ज अरे सैया ले के सुतब ताहि से ज अरे पिया ले के सुतब तो बेनिया डोलाई बिए राम। बहुत ही सुंदर। कब से कितने सालों की उम्र से आप संगीत में आ गए? जी हम जब से हमारी होश है होश संभारे हैं तब से हम कुछ ना कुछ गाइए रहे। हमारे पिताजी भी बहुत सुंदर कलाकार थे, वो मैंने शुद्ध रामायण महाभारत की ज्ञाता थे, शिव पुराण ऐसे ऐसे सब उनके पिताजी अपने लिखते थे गाते थे, तो उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने वो हम कहा जाते वंश वाइज चला आ रहा है जी, जिसको आप निभा रहे हैं जी जी। जब से हो समाने तब से गायकी का ही काम किए हैं और दूसरा जी जी कुछ नहीं, इसी में हम लगे रह गए और पिताजी के मुझे आशीर्वाद मिला। मेरे परबाजा भी गाए थे, मेरे बाबा भी गाए थे, ये मेरे भैया हैं, ये सबसे बड़े भाई हैं। एक बार कहीं कैमरामैन से दिखा जी जी। ये तबला वादक है, तबला से एमए किए हैं भैया, और इन लोगों के माध्यम से हम लोग थोड़ा बहुत लोक संगीत जितना भी मिला, ये तो समुद्र था चीज है संगीत, जो भी मिला मैंने हम लोग लेकर चल रहे हैं। ये पूर्वज के ही देन है, अब आगे जो होगा वो माँ सरस्वती जाने की, आगे हम लोगों के बाद कोई कलाकार हो ना हो अलग चीज है, लेकिन तीन चार पुश्त से हम लोग में कलाकार कोई ना कोई कलाकार होते आते हैं और चल रहा है, यही तो कृपा है माँ सरस्वती का। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और दोबारा हम बहुत आपको आभारी है कि आपने इतना कीमती टाइम जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों के लिए हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बंधन, और जो लोग भी मेरे आपके चैनल के माध्यम से प्रोग्राम जी
सुन रहे हैं, मैं सबको वंदन अभिनंदन करता हूं और भोजपुरियों को सबको स्वागत के लिए मैं हृदय से माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूं। और इसी के साथ आप लोग को भी अभिनंदन करते हैं कि आप लोग से आकर के मेरे लिए इतना योगदान दिए, मैं आप लोगों का आभारी हूँ। इसलिए मेरा जो व्यक्तित्व है क्षमा करता हूँ, और जो त्रुटि हो उसके लिए भी जनता मुझे क्षमा करें।